हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नेहा अग्रवाल, और काफ़ी टाइम के बाद मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी। कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू अपना वीडियो नहीं डाल पा रही थी, बट अब मैं कोशिश करूँगी अपना वीडियो मैं कंटिन्यू डालूँ। एंड आज से ही मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, और मैं अभी जा रही हूँ अपना सेकेंड वैक्सीन लगवाने, जो कि काफ़ी टाइम हो गया, लेट हो गया हम लोग का। और हम लोग को वैक्सीन लगवा रहे जिसका नंबर जल्दी नहीं आ रहा था, तो आज नंबर आया है फाइनली, तो बस अभी हम लोग जा रहे हैं वो लगवाने। अभी हम लोग जाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड एंड मेरी छोटी बहन है जो कि सुल्तानपुर से है, उसका भी फर्स्ट वैक्सीन हम लोग के साथ लगा था एंड सेकंड भी, तो उसको हम लोग साथ लेंगे हुसैनगंज से, और फिर चलते। और आप मेरे हस्बैंड को देखिए, ये टकलू में कैसे लग रहे हैं। एंड मैं अब अपना मास्क लगा ले रही हूँ। और मैं दो मास्क लेके जा रही हूँ, मैंने एक लगाया, जब मैं वैक्सीन लगवाने जाऊंगी तो मैं दो मास्क लगा लूंगी, क्योंकि सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। वैक्सीन तो गाड़ी अंदर, गाड़ी का अंदर जाए, अंदर नहीं जा रहा गाड़ी, अंदर कहाँ जाएगा। अच्छा, तो हम लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच गए और काफ़ी लेट हो गए हैं, क्योंकि पिछली बार हमने लोहिया में लगवाया था, इस बार आलमबाग की साइड है, तो देखिए लगता भी है कि नहीं। चल भाई, तो चलते हैं, देखते हैं, गाड़ी पहले पार्क करते हैं। और मोनी आ गई है, और ये अपना आधार कार्ड कहीं भूल गई, मतलब खो गया इनका, अब देखिए इनका लग पाता है कि नहीं, ट्राई करते हैं शायद लग जाए। और साथ में आया है लालू, जो कि लगवा चुका है अपना वैक्सीन, घूमने आया है। तो ये है हिमांशु, तुम्हारे तो बाल आ गए हैं। और बस सब लोग आ गए, देखे लग जाए, है ना। हम लोग की वैक्सीन लग गई थी, और मोनी की भी आधार कार्ड की फ़ोटो आ गई थी व्हाट्सअप पे, तो उसका भी वैक्सीन लग गया था। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, एंड सबको लगी थी भूख, तो मैं बना रही थी सबके लिए सैंडविच। तो ये मल्टीग्रेन ब्रेड से मैं बना रही हूँ सैंडविच, जिसमें ओट्स सारे सीड्स होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुँह में आते हैं, क्रंची क्रंची बहुत अच्छे लगते हैं। और जिसके लिए मैं सबसे पहले मैं थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाऊँगी। मल्टीग्रेन में आप सैंडविच बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत अच्छा बनता है। एंड मैं आज दूसरे तरीके से बना रही हूँ, तो मैं एक साइड ब्रेड में लगाऊँगी मैं केचप, एंड दूसरे साइड वाले ब्रेड में मैं लगाऊँगी मेयोनीज। और जो मैंने आलू का भरता बनाया, मैंने उसमें मिक्स किया है पनीर। और आलू का भरता बनाने टाइम मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, बट नॉर्मली बेसिक सा भरता है, तो बस मैं केचप अच्छे से लगा लूँगी। और ये है भरता, जिसमें मैंने प्याज मिर्च और थोड़ा सा इसमें मैंने डाला पनीर एंड आलू, थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला मैंने बहुत चुटकी डाला क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, एंड अमचूर पाउडर डाला है। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसको अच्छे से लगा लूँगी, एंड आप चाहे तो इसके ऊपर टमाटर के भी स्लाइसेस या खीरे के वो भी लगा लीजिए तो और अच्छा लगेगा, बट मैंने नहीं लगाया है। चारों तरफ मैं अच्छे से फैला दूँगी आलू।
अब सैंडविच मेकर में अच्छे से मेरी सैंडविच सीख रही है, तब तक मैं और सैंडविच को रेडी कर लेती हूँ। एंड जब मुझे सैंडविच बनाना होता है तो मैं सारी तैयारियाँ करके रूम में अच्छे से बैठ जाती हूँ ठंडे में, और सैंडविच सीखते रहते हैं और हम लोग अपना सैंडविच इंजॉय करते हैं चाय के साथ, एक साथ बैठ के बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब तक मेरा सैंडविच सीख रहा है मैं और सारे सैंडविच को रेडी कर ले रही हूँ। सैंडविच मेरा बन गया, तो बस फटाफट मैं सर्व कर रही हूँ गर्मा गर्म चाय के साथ। तो ये बन गया मेरा सैंडविच, और साथ में हम लोग खा रहे हैं नूडल जो कि हम लोग पैक करा के लाए थे, और भुट्टा भी लेके आए थे। एंड परू खा रही है चाउमीन, और ये क्या है परू? मैगी। ये देखिए परू मैगी, इनको ये मैगी लग रहा है नूडल्स। परू खा लो खा लो। थोड़ा सा स्पाइसी है ना, बट आई लाइक इट। अथर को स्पाइसी लग रहा। बस अब मैं इसके बाद बनाने जा रही हूँ, मैंने मटर एक दिन पहले उबाल के रखा था, तो उसका सिंपल से मैं बनाऊंगी छोला। तो जिसके लिए मैंने प्याज, उसमें अदरक घिस के डाला, एंड उसमें डाला है लहसुन, उसको अच्छे से ब्राउन करेंगे। ये देखिए मेरा प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगी मसाले, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और इसको अच्छे से भून लेंगे जब तक ये लाल ना हो जाए। मसाला मेरा अच्छे से भुन गया है, तो ये मटर मैंने बॉईल करके रखा था और उसको मैं इसमें डाल दूंगी। एंड मसाला मेरा मटर अच्छे से बॉईल है, तो बस एक सीटी में ही छोला बन के हो जाएगा रेडी। और इसको और ज़्यादा टेस्टी करने के लिए मैं इसमें डालूंगी छोला मसाला। तो ये देखिए मुझे थोड़ा सा गीला चाहिए क्योंकि चावल के साथ हम लोग को खाना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ छोला मसाला, और मैं इसमें थोड़ा सा इमली पल्प जो मैंने भिगो के रखा था एक दिन पहले, क्योंकि मैं एक भीगे हुए मटर का बनाती हूँ इमली का पानी नहीं डाल के, उसकी भी रेसिपी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो वो इमली का पल्प मैंने भिगो के रखा था, तो उसका पानी मैं इसमें डालूँगी जिससे ये और ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आपके पास इमली भिगा हुआ ना हो पानी उसका, तो आप इसमें खटाई भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास इमली भीगी हुई रखी थी तो मैं उसका पानी डाल दूंगी। और बस एक सीटी लगेगी, मेरी छोला बन के हो जाएगा रेडी। तो बस मैं आज अपना ये छोटा सा वीडियो एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके टाटा बाय बाय।